आदरणीय साथियों एवं आदरणीय बहनों प्रणाम। आपकी त्वचा, आपकी स्किन में निखार आए, आपकी स्किन ग्लोइंग हो, इसके लिए हमने पहले भी कई उपाय बताए हैं, लेकिन आज मैं पांच मामूली उपाय आपको बता रहा हूँ। वो करके देखिए, वो आजमा करके देखिए, उससे भी आपको बहुत लाभ मिलेगा। आपको मालूम है बेली बटन यानी नाभि पर घी तेल लगाने से कई फायदे मिलते हैं। आपकी जो नाभि है ना, वहाँ पर यदि थोड़ा सा घी तेल, अलग अलग परिस्थितियों के लिए अलग अलग हैं, तेल भी अलग अलग हैं और घी, तो वो सारा मैं बताता हूँ। लेकिन वो लगाने से, आपकी नाभि में लगाने से आपको कितने फायदे मिलते हैं उसके बारे में मैं आपको जानकारी देना चाहता हूँ। शरीर के इस हिस्से पर, ये जो बेली बटन है नाभि, है ना, नाभि पर रोजाना रात को सोने से पहले और सुबह नहाने के बाद तेल लगाने से स्किन से जुड़ी बहुत सी परेशानियां खत्म हो जाती है। साथ ही ये रोजमर्रा की हेल्थ परेशानियों से भी आपको राहत दिलाता है। नाभि हमारे शरीर की सभी क्रियाओं को नियंत्रित करती है। ये पूरे शरीर का केंद्र बिंदु है। नाभि जो है वो हमारे शरीर का केंद्र बिंदु है और ये शरीर के सभी अंगों, शरीर की सभी क्रियाओं को नियंत्रित करती है। इसीलिए नाभि पर घी या तेल लगाने से शरीर को कई तरीकों से फायदा मिलता है। हम आपको बताते हैं कि कौन कौन से फायदे और कौन कौन सा तेल या घी लगाना चाहिए। चेहरे पर कील मुहासे होते हैं, तो चेहरे पर कील मुहासों को खत्म करने के लिए आप क्या क्या नहीं करते, तमाम तरह की क्रीम्स। बहुत सारे लोग स्टेराइड क्रीम्स लगाते हैं और बाद में पश्चाताप करते हैं क्योंकि उनका चेहरा खराब हो जाता है, स्किन खराब हो जाती है, और स्टेराइड क्रीम से कैंसर का, स्किन कैंसर का खतरा होता है। ये ध्यान रखिए, आप हमेशा स्टेराइड क्रीम कभी भी यूज़ नहीं करनी चाहिए। चेहरे के कील मुहासों को ख़त्म करने के लिए आप रोजाना एक बूंद नीम के तेल को नाभि पर लगा करके सोइए। ये कील मुहासे कुछ ही हफ्तों में गायब हो जाएंगे। अगर आप भी चेहरे की खूबसूरती बढ़ाना चाहते हैं और दाग धब्बों को खत्म करना चाहते हैं तो नीम के तेल को रोजाना बेली बटन पर लगाएं। इसके साथ ही ऐसा करने से चेहरे के सफ़ेद धब्बे, है ना, चेहरे पर जो कई बार सफ़ेद धब्बे हो जाते हैं वो भी आपके खत्म हो जाएंगे, ये ध्यान रखिए। लेकिन नियमित रूप से रात को सोने से पहले और सवेरे नहाने के बाद में ये आप करिए। थोड़ा सा तेल ले लीजिए नाभि के अंदर और नाभि के आसपास के एक इंच के सराउंडिंग एरिया में ये तेल लगाइए, नीम का तेल। तो इससे आपको चेहरे के कील मुहासों पर नियंत्रण पाने में आसानी होगी और चेहरे की ग्लोइंग स्किन बढ़ेगी। लेकिन इन सारे जो उपाय मैं बता रहा हूँ उसमें सबसे बड़ा उपाय है पानी, ये ध्यान रखिएगा। आप जितना ज़्यादा पानी का उपयोग करेंगे, जितना ज़्यादा पानी पिएंगे, जो आपकी बॉडी की रिक्वायरमेंट है ना, उस हिसाब से जो मैंने एक फॉर्मूला बता रखा है कि आपको कम से कम 3 से 5 लीटर, अलग अलग वजन वालों को अलग अलग ढंग से 3 से 5 लीटर पानी पीना ही चाहिए। फार्मूला ये है कि वजन डिवाइडेड बाई 10 - 2 लीटर। यदि आपका वजन 70 किलो है तो आपको 5 लीटर पानी पीना ही चाहिए। 70 किलो या 70 किलो से ऊपर है तो 5-6 लीटर पानी आपको 24 घंटे में वाटर इंटेक होना चाहिए आपका। यदि आपका वजन 50 किलो है तो आपको 3 लीटर पानी आपको ज़रूर पीना चाहिए। और जो 18 साल तक के बच्चे हैं, यदि बहुत ज़्यादा फिजिकल एक्टिविटी करते हैं तो उनको भी 3 लीटर के करीब पानी पीना चाहिए, 3 से 4 लीटर पानी पीना चाहिए। लेकिन जिनकी फिजिकल एक्टिविटी बिल्कुल ना के बराबर है तो उनको भी 3 लीटर पानी तो पीना ही चाहिए। और जो 10 साल से नीचे हैं उनको 2 लीटर पानी, जो 5 साल से नीचे हैं, 2 साल से 5 साल के बीच में, उनको 1 लीटर पानी, 24 घंटे में इतना वाटर इंटेक होना चाहिए आपका। अन्यथा फिर बाद में किडनियों पर असर होगा और फिर डॉक्टर कहेगा कि आप पानी आप कम पीजिए। मैं बार बार कितने ही वीडियो में पानी के बारे में आपको आग्रह कर चुका हूँ। आपका जो खान पान है, इस समय जो बिगड़ा हुआ खान पान है, जो आपकी दिनचर्या है, फास्ट फूड, जंक फूड, मिलावट और
जो खाद्य पदार्थ हैं उनमें केमिकल फर्टिलाइजर का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल, ये सब वजह है कि पुराने सारे जो फॉर्मूले थे पानी पीने के वो सब फेल हो गए हैं। आपके अंदर काफ़ी जहर आ गया है, तो डिटॉक्सिफिकेशन के लिए आपको पानी की मात्रा ज़्यादा बढ़ानी होगी। चाहे कुछ भी कर लीजिए, आपको पानी की मात्रा बढ़ाए बिना आपको चैन नहीं मिलेगा। पानी यदि मात्रा बढ़ाएंगे तो डिटॉक्सिफिकेशन भी होगा और यूरिन वगैरह बराबर ज़्यादा से ज़्यादा पास होगा। यूरिन को रोकने की कोशिश मत करिए, नहीं तो आपकी आंखें खराब हो जाएगी, ये ध्यान रखिए। तो कील मुहासों को खत्म करना है, चेहरे के दाग धब्बों को खत्म करना है, तो नाभि में नीम का तेल लगाना है। लेकिन यदि आपको ग्लोइंग स्किन बनानी है, रोजाना गुलामों जैसा निखार और ग्लोइंग चेहरे के लिए आपको कुछ ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि एक बूंद बादाम के तेल को बेली बटन पर लगाएं और हर दिन दमकता हुआ चेहरा पाएं। बादाम का तेल लगाना है, ये नीम का तेल अपना काम कर ले, उसके बाद में आप बादाम का तेल लगाइए नाभि के अंदर, ठीक है? और अच्छे से नाभि में और नाभि के सराउंडिंग एरिया में, एक एक इंच का सराउंडिंग एरिया, उसके अंदर नाभि का तेल लगाइए, सॉरी नाभि में तेल लगाइए नारियल का तेल, सॉरी। और यदि आपको होंठ फटे हुए हैं और उनको मुलायम बनाना है, जोड़ों में दर्द में आराम चाहिए, तो मौसम परिवर्तन और सर्दियों के आते से ही सबसे बड़ी परेशानी होती है, होंठ फट जाते हैं, जोड़ों में दर्द होता है। और फटे होंठों के लिए आप लिप बाम के अलावा रात को एक बूंद सरसों का तेल नाभि पर लगाएं। सरसों का तेल नाभि में लगाना है, यदि आपके होंठ वगैरह फट रहे हैं, जोड़ों में पेन हो रहा है और हो रहा है, तो नाभि में सरसों का तेल लगाइए, ठीक है? वही तरीका है। इसी तरह से अगर आपको सॉफ्ट मुलायम और बेबी स्किन चाहिए, तो रोजाना रात को देसी गाय का घी, शुद्ध देसी गाय का घी नाभि में लगाइए और नाभि के सराउंडिंग एरिया में लगाइए। इसे लगाने से आपको कुछ ही दिनों में स्किन में बदलाव दिखने लगेगा। और यदि आपकी स्किन फटी पटी सी है, सर्दियों में फटे होठों के साथ स्किन भी रूखी हो जाती है, ड्राई स्किन की वजह से गाल, माथा, आंखें, सभी जगह स्किन खींचने लगती, खिंचाव होता है स्किन के अंदर। अगर आपके साथ भी ऐसा होता है, तो रोजाना पूरी बॉडी पर ओलिव ऑयल और रोजमेरी एसेंशियल ऑयल का जो मिक्सचर है, हमने बताया कि 200 ml ओलिव ऑयल में 30 ml रोजमेरी एसेंशियल ऑयल, ये मिक्स करके और यूज़ करना है। तो पूरी बॉडी पर मसाज करिए और नाभि में भी वो तेल लगाइए, और इसी के साथ में नाभि में नारियल का तेल भी आप लगा सकते हैं। तो ये छोटी छोटी चीज़ें कितना मैटर करती है, कितना मायने रखती है, ये आप देखिए। तो आप एक बार ये प्रयोग करके देखिए, देखिए कितना फायदा होता है। लेकिन ये ऐसा नहीं कि आपने एक दिन किया और अगले दिन पूछें कि मुझे तो कोई फायदा नहीं हुआ। लगातार आप 15-20 दिन महीना भर करिए, देखिए आपको ग्लोइंग स्किन मिलती है या नहीं मिलती है। इस वीडियो में इतना ही। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक ज़रूर करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें। इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।